हेलो दोस्तों दोस्तों ये मैं कटिंग करके लेके आया हूँ। ये पिपल का ट्री है। ये देखो इतनी मोटी है, कम से कम मेरे हाथ में आ रही है। देखो ये 2 इंच 2.5 इंच मोटी है। इसका ये ऊपर हिस्सा है। तो देखो मोटे मोटे मैं कटिंग लेके आया हूँ। इसमें से हम इसको ग्रो करेंगे। देखते हैं कि मेरे पास ये है शो करने के लिए। तो अक्टूबर का महीना है जी। अक्टूबर कौन सा महीना है यार, महीना मैं बाद में इसको चेक करके बता दूंगा, मेरा माइंड में अभी नहीं है। तो अक्टूबर की 17 तारीख है। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। इस पर हम पॉलोथिन लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम लगाएंगे एलोवेरा। तो उसको मैं लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं, देख सकते हैं इतनी मैंने ये गोबर ली है, पुरानी गोबर है और इतनी सी मिट्टी ली है। मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो इसमें हम इसको लगाएंगे। अभी मैं इसको मिक्स करके जितने भी मेरे पास बोतल के छोटे छोटे पीस है मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने देखो दो पीछे पड़े हैं, कम से कम मैंने 10-12 ट्री है जो जिसकी मैंने कटिंग लगाई है। और यहाँ एक पीस पड़ा हुआ है जो तो मोटे मोटे मैंने कम से कम 2-2 इंची या 1 इंच से ज़्यादा ही है जिसको मैंने कटिंग को लगाया है। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। अभी देखेंगे कि कितने देर बाद ये सिर्फ इसमें देखो पत्ते हैं, बाकी सारा कोई पत्ता नहीं है किसी भी। अभी इसको देखेंगे कितनी कामयाब होती है और कितनी फेल होती है। देखो दोस्तों मैंने इस तरह पॉलोथिंक में लगा के ऐसे पॉलोथिंक लगा दिए हैं सॉरी। तो इसमें हल्की हल्की एयर हवा और इसमें थोड़ी सी देखो मॉइस्चर बन गया है। इस तरह आपने इसका जो ऊपर का हिस्सा है इस पर कोई कीड़ा वगैरह ना लगे इसलिए इसको पॉलीथिन से ऐसे रबड़ से कवर कर देना है। और मैंने कल इसको पानी दिया था और कल ही इसको लगाया था। तो अभी इसको मैं देखता हूँ, छोड़ दूँगा ऐसे ही, अभी पानी नहीं लगाऊँगा क्योंकि पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा पानी लगाया था तो उसके रूट्स जो गल गए थे तो वो मेरी जो कटिंग थी ख़राब हो गई थी। अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। देखिए मैंने यहाँ से इसको पॉलोथिन से कवर कर दिया है कि ताकि अंदर ये अच्छी तरह मॉइस्चर बना रहे। जितने भी प्लांट हैं मैंने इतनी नुक्कर में इसको अच्छे से छुपा के रखा हुआ है क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंडी पड़ रही है और ये मेरी जो कटिंग है ख़राब ना हो। तो इसको मैंने ऐसे रख दिया। आज 28 तारीख हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के से मेरी एक ही अभी जो मैंने लगाई थी कटिंग लगाई थी इसमें सिर्फ एक कटिंग है जो बरगद की कटिंग है उसको हल्की हल्की देखो रूट्स आनी शुरू हो गई है। हल्की हल्की जो इसके जो टाणी है ये ग्रो होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अभी कोई और ग्रो नहीं हुई है। तो ये इसकी कटिंग इतनी पहले थी, सिर्फ एक ही ग्रो की है। देखते हैं इसमें से कितनी कामयाब होती है। और इसको मैं पानी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। हल्का हल्का इस स्प्रे से आप हल्का हल्का ऊपर दूर से ही इसको स्प्रे करें ता जो इसकी जो मिट्टी है वो सिर्फ नम नम रहे, हल्की हल्की इसमें नमी रहे। इस तरह ही आपने अभी देखते हैं कितने दिन और लगते हैं इसको ग्रो होने में। दोस्तों आज 4 तारीख हो चुकी है और नवंबर की 4 तारीख है। ये देखो
हल्के हल्के मतलब उस पर अभी देखो इतने दिन होने के बाद भी अभी जे ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं। अभी जो पिपल का ट्री है वो तो एक भी इनमें से कई रूट्स कोई भी इनकी जो इनकी वो ग्रो की कोई निशानी नज़र नहीं आ रही है। ये देखो हल्का हल्का ग्रीन नज़र आ रहा है बस, कोई खास नहीं है। और जो बरगद है ये देखो बरगद यहाँ से ग्रो होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब जो बरगद है वो जल्दी ग्रो हो जाता है। और गलती ये कि मैंने जो नॉर्मल मिट्टी जो हमारी खेतों की मिट्टी होती है उसमें मैंने ये इसको ग्रो किया है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसमें तो लोहे से भी रंबे से भी मैं मतलब खोदने की कोशिश करता हूँ तो खोद नहीं होता है। तो आपको पता ही होगा कितना हार्ड होती है, तो उसमें मैंने लगाया हुआ है, उसके कारण रूट्स बनना और दिक्कत आ रही है उनको, इनकी जो रूट्स बन रही है नीचे वो बोर प्रॉपर बन नहीं पा रही। वो देखो वो बरगद की जो लास्ट वाला है वो भी बरगद ही है और ये सूख गया है। ये पिपल है, ये पिपल है और ये भी पिपल है। ये हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बोनसाई बन जाएगा मेरा। एक मैंने यहाँ से उठा लिया है, वो हिल गया था और इतना मोटा था, वो भी इससे ज़्यादा मोटा था ना। उसको मैं दिखाऊंगा आपको क्या बना है ऊपर। मैंने उसको कोई और पॉट में लगा दिया है, देखते हैं वो भी कामयाब होता है या नहीं कामयाब होता है। चलो दोस्तों इतने में से एक की तो ग्रोथ शुरू हुई। देख सकते हैं आप, ये देखो हल्का हल्का पत्ता सिर से नीचे से निकल गया है, इसकी तो ग्रोथ शुरू हो गई है, बाकी अभी तक ऐसे ही है। इनमें से देखते हैं कौन सा अभी और होता है। आज 13 तारीख हो चुकी है नवंबर की, तो ये देखो पत्ते, ये तो थोड़ा ग्रो होने शुरू हो गया है और बाकी किसी का भी कोई निशानी नहीं है ग्रो होने की। सिर्फ ये बरगद का ट्री है जो आसानी से कोई भी मौसम में ग्रो हो जाता है। बाकी देखते हैं अभी भी बाकी लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे ये भी थोड़ा लग रहा है कि ग्रो हो रहा है, बाकी देखते हैं इनको कितना समय लगता है। बहुत समय लग गया है, थोड़ा मौसम इसमें जो होते हैं ना पौधे होते हैं वो बहुत ग्रो स्लो होते हैं, तो नवंबर के महीने में, वैसे तो इस महीने में प्लांट कटिंग लगाना मुश्किल है, तो मैंने लगाई है। देखते हैं इस महीने में ये कैसे ग्रो करते हैं और कितना समय लगेगा, क्योंकि जो बोनसाई जहाँ ऐसे ट्री को जो बोनसाई लवर हैं वो चाहेंगे कि बहुत कम समय में मेरा बोनसाई ट्री तैयार हो जाए। जैसे मैंने मोटी मोटी जैसे ये कटिंग लगाई थी, तो इस कटिंग को ग्रो होने में कितना समय लगता है वो हम ऐसे ही देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इतने पौधों में से मैंने जितने भी लगाए थे कटिंग लगाई थी उनमें से सिर्फ एक जे और ये एक बरगद का ट्री ग्रो हुआ है और बाकी सब कोई भी ग्रो नहीं हुआ है, तो बहुत समय लग गया इसको ग्रो होने में। तो अगली कटिंग हम और लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पानी की मात्रा हम कम ही रखें, इसको थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ने के कारण ये पूरे ग्रो नहीं हो पाए। देखिए ये बहुत अच्छी तरह ग्रो हो चुका है और बाकी जो मेरी कटिंग है बिल्कुल कोई भी अच्छी तरह ग्रो नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो इसकी जो टाँणियाँ हैं बहुत ज़्यादा मजबूत निकली है। देखो देखिए मेरी इतनी कटिंग जो है सूख चुकी है, कोई फेक वीडियो नहीं है, सिर्फ ये ही ग्रो हुई है। तो
इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाकी कोई भी कटिंग मेरी ग्रो नहीं हो पाई। और मैंने ये कटिंग को उखाड़ के देखा और हल्का हल्का इसमें से देखो जी हरा है अभी, इसको मैंने दोबारा लगा दिया। अब इसको भी चेक करेंगे ये ग्रो हो सकती है या नहीं हो सकती है।